नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल सी क्लास। सब कुछ सिखाते हैं प्रॉपर प्रॉपर। तो सबसे पहले आप लोग की हेडिंग यही है कि वर्तमान हरियाणा में कुल 90 तो सीटें हैं। टोटल सीटें कितनी हैं? टोटल सीट है आपकी, और इसमें से 17 आरक्षित सीटें हैं। इन सीटों से इन 17 आरक्षित सीटों से केवल एससी या एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति या जाति, ठीक है ना, दोनों लिख सकते हो, या इतना लिखने का जरूरत ही क्या है, एससी या एसटी कैटेगरी के लोग ही इलेक्ट या इलेक्शन में भाग ले सकेंगे। नोट डाल के लिखने वाली बात है, हरियाणा में कौन से, मतलब 5 जिले जिनमें कोई आरक्षित सीट नहीं है, हरियाणा के 5 जिले, हरियाणा के 5 जिले जिनमें कोई आरक्षित सीट नहीं है, कोई आरक्षित सीट हरियाणा के 5 जिले हैं जिसमें कोई आरक्षित सीट नहीं है, ठीक है ना। चलिए सर जी, इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है ना। सारा का सारा डियर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, कोई मेरी साइड से पीडीएफ नहीं जाएगी आपको, ठीक है ना, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। चलिए सर, ये तो बात हो गई है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट है कि वो 5 जिले कौन से हैं जिनमें कोई आरक्षित सीट नहीं है, वो चलो बाद में बताऊंगा मैं, पहले आपको ये 17 जिले बताता हूं। इसके साथ साथ फिर लास्ट में ये बताएंगे हम लोग कि कौन से 17 जिले हैं जिनमें आरक्षित सीट है। शुरुआत करते हैं एक नंबर से। एक नंबर में क्या आएगा आपका? अंबाला आएगा। अंबाला में क्या है? अंबाला में है मुलाना, नाम सुना होगा, मुलाना नाम की सीट जो है ना आरक्षित सीट है यहाँ पे आपकी, ठीक है ना, अंबाला के अंदर। इसके बाद में इसके जस्ट नीचे आता है एक जिला यमुनानगर, ठीक है ना, और यमुनानगर की सीट जो है ना वो है साढ़ोरा, ठीक है ना, यमुनानगर की सीट है आरक्षित कौन सी? साढ़ोरा। तीसरा, अंबाला में मुलाना है, यमुनानगर के अंदर जो है ना साढ़ोरा है। कुरुक्षेत्र तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कुरुक्षेत्र के अंदर आता है शाहबाद। इसका एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको बाद में लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र खुद के नाम पे कोई विधानसभा सीट नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में कुरुक्षेत्र के जस्ट नीचे वाला जिला कौन सा आता है? कुरुक्षेत्र के जस्ट नीचे आता है आपका कैथल जिला जो है ना, मतलब नीचे तो क्या कहूंगा, पास में कह लो आप लोग, नीचे तो नहीं कह रहा मैं, ये पास में है। कैथल का सीट जो आपकी है वो है गुहला, ठीक है ना, गुहला चिक्का तुमने सुना होगा, ठीक है ना, ये आरक्षित सीट है आपकी। इनके पास में जिला एक आता है करनाल जो है ना, इसकी है नीलोखेड़ी जो है ना, ये करनाल का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारी सीटें जो है ना आपकी आरक्षित सीटें, मतलब ये तो हो गए जिले, इनके ऊपर आप हेडिंग यूं बना सकते हो, ठीक है ना,
इनके ऊपर हेडिंग बना सकते हो, इधर तो लिखोगे जिले और ये है आरक्षित सीटें, आरक्षित सीटें, ठीक है ना। इस जिले की ये वाली आरक्षित सीट है आपकी यहां पे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में जो है ना अगला आपका है पानीपत, इसके पड़ोस में ही, मतलब पास में ही, सारे आसपास ही पड़ेंगे पानीपत। पानीपत जो है ना, पानीपत का है इसराना, इसराना। पानीपत के साथ साथ ही आप सोनीपत भी पढ़ लो, सोनीपत। सोनीपत का है खरखोदा, खरखोदा। खरखोदा न्यूज में था अभी थोड़े दिन पहले, मैं इसको बताऊंगा कि क्या क्यों न्यूज में था ये मारुति सुजुकी वगैरह के लिए। एक बार मैं इस लिस्ट में नहीं लिख रहा हूं, अलग से लिख लूंगा उसको, ठीक है ना। जींद, जींद का है नरवाना। अगला पड़ोस में फतेहाबाद ले आते हैं, फतेहाबाद। और फतेहाबाद का है रतिया। कोई है आप में से रतिया का? रतिया में 2-3 साल रहा हूं। इसके बाद में है सिरसा, सिरसा का है कालांवाली, ठीक है ना। सिरसा के अंदर है कालांवाली, ठीक है। ये 10 हो गई आपके यहां पे। इसके बाद में और हिसार के अंदर आ जाते हैं 11 नंबर पे। हिसार, हिसार में है उकलाना, ठीक है, उकलाना। हिसार हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इसके रूप में भी आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं पड़ोस में भिवानी में, भिवानी में है भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा। अच्छा, भिवानी के बाद में आस पड़ोस में आ जाते हैं तो झज्जर चले जाएंगे, और झज्जर के अंदर तो झज्जर के, झज्जर नाम से ही है, एकमात्र जिला जिसके नाम पे ही विधानसभा सीट आरक्षित है, तो वो झज्जर है आपका। ये भी पॉइंट आपको यहां से याद करना है। इसके बाद में आपका रेवाड़ी, रेवाड़ी की सीट जो है ना वो है बावल। यहां से जीते हुए हैं हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी, जो याद रख लेना, सुगर फीड के लिए कई बार उनका नाम आगे आता ही है। फिर आता है गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम में है पटौदी, ठीक है ना। ये भी चर्चा में थे थोड़े दिन पहले, इसके बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद में आता है जी आपका 14, 15, 16, ठीक है ना। उसके बाद में आता है जी पलवल, पलवल, पलवल का है होडल, ठीक है ना। पलवल का है आपका होडल। एक और बच गया, कौन सा जिला? रोहतक रह गया, रोहतक। रोहतक जो है ना आपका, उसका है कलानौर, रोहतक का है कलानौर आपका, ठीक है। ये 17 जिले ऐसे हैं आपके जिनके अंदर जो है हरियाणा की विधानसभा सीट आरक्षित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, भूलना नहीं है आपको इनको। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा सर इनका? पेपर में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इनमें से आरक्षित सीट बताओ, एक क्वेश्चन ये बनेगा। या आपसे यूं पूछ लेगा, बताओ रेवाड़ी की आरक्षित सीट कौन सी है, पूछ लेगा झज्जर की कौन सी है, कुरुक्षेत्र की कौन सी है, पानीपत की, पलवल की, रोहतक की, या तो जिला देके पूछ लेगा या डायरेक्ट पूछ लेगा वो। तो आप इनको 2-3-4 बार पढ़ोगे, मेरे साथ साथ भी पढ़ने की कोशिश करो। बोलो दिखा आप लोग, अंबाला मुलाना बोलो, अंबाला मुलाना, यमुनानगर साढोरा बोलो। सर बोल तो रहे हैं, आपको कौन सा सुन रहा है बताओ, सुन थोड़ा ना रहा है आपको। अच्छा ठीक है, तुम बोल रहे हो ना, बहुत अच्छी बात, बोलो फिर। अंबाला मुलाना बोलिएगा, अंबाला मुलाना, अंबाला मुलाना, अंबाला मुलाना, ठीक है ना। यमुनानगर अंबाला मुलाना या अंबाला बुलाना ऐसे करके लिंक बना लो चाहे। यमुनानगर साढोरा, यमुनानगर साढोरा, यमुनानगर साढोरा, यमुनानगर के साडू जी, यमुनानगर के साडू जी, यमुनानगर के साडू जी, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र शाहबाद, कुरुक्षेत्र आबाद, कुरुक्षेत्र आबाद, भगवान श्री कृष्ण जी आए थे ना कुरुक्षेत्र में, तो फिर आबाद है ये वैसे भी। कुरुक्षेत्र शाहबाद, कुरुक्षेत्र शाहबाद, कुरुक्षेत्र शाहबाद। कैथल गुहल्ला, कैथल गुहल्ला, कैथल गुहल्ला, कैथल गुल्ला चिक्का, गुल्ला चिक्का। करनाल नीलोखेड़ी, करनाल, करनाल नीलोखेड़ी, ठीक है ना, करनाल नीलोखेड़ी। कार नीली है मेरी, कार नीलो, कार नीली कार खड़ी, नीली कार खड़ी, नीली कार खड़ी, का कर नाल नीलो खड़ी, नीली कार खड़ी, नीली कार खड़ी। पानीपत इसराना, पानीपत के लोग इतराते हैं, पानीपत के लोग इतराते हैं, इतराते हैं, पानीपत इतराते हैं।
पानी आड़ी पानी प्यादे इतराते हैं, ठीक है ना, पानीपत इतराते हैं, पानीपत इतराते हैं। सोनीपत खर खोदा, सोना जिनके पास है वो खर 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 करते रहते हैं, सोना जिनके पास है खर खर करते रहते हैं। सोनीपत खर खोदा, सोनीपत खर खोदा, सोनीपत खर खोदा, सोना जिनके पास वो खर 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 करते ही रहते हैं। जींद नरवाना, जींद नरवाना, जींद ठीक है ना, जींद नरवाना, जींद हरियाणा का हृदय कहलाते हैं, हरियाणा का हृदय। हृदय पुरुषों, नर मतलब पुरुष होते हैं, पुरुषों का हृदय बहुत विशाल होता है, बहुत अच्छा हृदय होता है पुरुषों का। सही, तो तारीफ कर दी आपने लड़कों की, कर लेनी चाहिए ना फिर, कौन सी बुराई बात है। तुम्हारे, अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे घर में भी भाई और पापा हैं, तो वो लड़के ही हैं, ठीक है ना। तो लड़कों को तवज्जो तो दे ही रहे हैं, देना भी चाहिए, ठीक है, वैल्यू करनी भी चाहिए, क्योंकि उनमें सहनशीलता बहुत होती है, नो डाउट, बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी भी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। कुछों को कुछ थोड़ी सी पागल सी हो जाती है, ठीक है ना, कई कई बार, जैसे मैंने कभी फील किया है, ठीक है, पूरी बात नहीं करता हूँ मैं, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, बाकी बहुत अच्छी और बहुत ही सहनशीलता वाली होती है। लड़की इज इक्वल टू पेशेंस, ये मैंने फील किया है अपने घर में ही, बहन मम्मी को देखते हुए। लेकिन लड़के भी बहुत भोले होते हैं, बहुत ही स्वीट से होते हैं, तो उनकी कदर किया करो, ठीक है। तो चलिए, तो जींद, जींद हरियाणा का हृदय, हृदय नर का बहुत अच्छा हृदय होता है, ऐसे लिंक बना लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा सर जी, इसके बाद में जो है ना आपका, कि फतेहाबाद रतिया, ठीक है, ये रतिया है, फतेहाबाद रतिया, ठीक है ना, फतेहाबाद रतिया, ठीक है ना। और उसके बाद में सिरसा कालां वाली है, हिसार उकलाना, भिवानी बवानी खेड़ा, झज्जर का झज्जर, रेवाड़ी का बावल, बवाल है, ठीक है, रेवाड़ी के लोग बवाल है, गुरुग्राम पटौदी, ठीक है ना, और पलवल होडल, रोहतक कलानौर। कैसे भी लिंक बना लेना, याद कर लेना, सुपर इंपॉर्टेंट है, 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल है ही नहीं आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो पॉइंट हो ही गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। लड़कों की इज्जत जरूर किया करो आप लोग, ठीक है ना, बॉयज की इज्जत किया करो, रिस्पेक्ट दिया करो, तभी तो समाज आगे चलेगा। ये थिंकिंग बदलो कि सिर्फ लड़की लड़नी, लड़कों की भी इज्जत किया करो, ठीक है ना। वो भी बहुत मेहनत करते हैं, सीरियसली बहुत स्ट्रगल करते हैं, हर किसी के लिए नहीं, अपने भाई अपने पापा को देखो, ठीक है ना, फिर कुछ गलत बोलना कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कों ने, पहले अपने भाई पापा को देखो, फिर उसके बाद कोई शब्द निकालना मुंह से। चलिए सर, तो ये पॉइंट आपका हो गया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला, समझ गए इस चीज को हम लोग यहाँ पे। अब हमें वो जिले देखने हैं कि जिन जिलों के अंदर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, वो 5 ही जिले हैं आपके, पंचकुला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, चरखी दादरी और नूह, ठीक है ना। तो हरियाणा के वो जिले जिनमें आरक्षित सीट नहीं है, हरियाणा राज्य के वो जिले जिनमें कोई आरक्षित सीट नहीं है, ठीक है, हरियाणा राज्य के वो जिले जिनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आरक्षित सीट नहीं है ये, तो ठीक है, कौन कौन से वो जिले हैं। एक जिला है आपका नूह, ये थोड़े दिन पहले ही खूब ज्यादा चर्चा में रहा था आपका यहाँ पे, ठीक है ना, नूह जिला, नूह, इसका नूह नाम कब पड़ा था, इसका नूह नाम पड़ा था 2016 में, ठीक है ना, 2016 में इसका नाम पड़ा था। पहला इसका नाम मेवात था, मेव जाति की अधिकता के कारण ये कहा जा सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद में जो है ना, नूह तो बात हो गया हमारा, इसके अलावा और कौन सा है सर जी, और हमारा जिला है आता है सर जी, इसी के पास ही आता है आपका फरीदाबाद, फरीदाबाद, ठीक है ना, फरीदाबाद, हरियाणा का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, ये कहिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहिए या जनसंख्या घनत्व भी कह सकते हो, चलो ये जनसंख्या वाले सेक्शन में, या जिले तुमने पढ़ रखे होंगे उनके अंदर ही आ जाएंगे ये। फिलहाल के लिए हमें और बात करनी है, और कौन सा, पंचकुला ना, पंचकुला, और हमारे पास में कौन सा है, नूह है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, इसके बाद में आता है चरखी दादरी, चरखी दादरी, ठीक है ना, और कौन सा बच गया जी हमारा, कौन सा जिला बच गया, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, इसमें डोसी की पहाड़ी वाला क्वेश्चन थोड़े दिन पहले ही पेपर में आया था, इसमें एक पड़ती है डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी, और ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा में, हरियाणा में
अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डाणी कुलताजपुर, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी 652 मीटर की है, और ये अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी ढाणी कुलताजपुर है, महेंद्रगढ़ के अंदर ढोसी की पहाड़ी। ये क्वेश्चन मैंने कहीं सीटी के पेपर में देखा था, आई थिंक अभी रिसेंट ही आया हुआ था। ठीक है, मैंने ये सब बताते समय तुम्हें दो बात बताई थी कि मैं दो चीज और बताने वाला हूं आपको, एक तो खरखोदा बताने वाला हूं, ठीक है ना, खरखोदा, खरखोदा सोना जिनके पास में है वो खर खर करते हैं, खरा सोना भी बोलते हैं ना, खरखोदा कहते हैं ना कि सोना बड़ा खरा है, हाँ खरा सोना, खरी कमाई वाला। तो खरखोदा में ना तारीख क्या थी, 28 तारीख थी, 28 अगस्त 2022 को पीएम मोदी जी ने नौ सौ एकड़ में मारुति सुजुकी प्लांट का उद्घाटन किया था, का उद्घाटन तो नहीं कहूंगा, की नींव रखी थी, नींव रखी थी। ये प्लांट बनेगा, इसमें ना क्या होगा, 800 प्लस में 100 होगा, मतलब ये होगा सर 800 एकड़ के अंदर तो इसमें जो है ना वो मारुति की कार बनेगी, और 100 एकड़ में जो है ना सुजुकी के मोटरसाइकिल बनेंगे, बाइक बनेंगे, वो बड़े बड़े से बाइक आते हैं ना, भूम 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 वाले, वो वाले बाइक जो है ना इसके अंदर बनेंगे। ये 800 प्लस 900 वाला खरखोदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अगली इंपॉर्टेंट बात आपके पास में जो आनी चाहिए वो ये है, एक पटौदी का नाम लिया था, हालांकि देखो सोनीपत की बहुत सारी चीजें याद आ रही है मुझे, पर वो मैं तुम्हें करंट सेक्शन के दौरान बताऊंगा, वरना मैं इस टॉपिक से लीड नहीं कर पाऊंगा। फिर पटौदी पटौदी और बता देता हूँ, पटौदी ये हरियाणा का 23वां नगर परिषद बना है, पटौदी मंडी कहूंगा, पूरा नाम इसका ये है पटौदी मंडी। ये तो खैर हमारा भी आ ही जाएगा पॉलिटी में ही, हरियाणा राज्य का 23वां नगर परिषद, हरियाणा राज्य का 23वां नगर परिषद था ये, और ये 23वां नगर परिषद जो हरियाणा राज्य का है ये बना कब, ये बना 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2022, ठीक है ना। नगर निगम हरियाणा में 11 है, नगर परिषद हरियाणा के अंदर 23 हो चुके हैं, और नगर पालिका हरियाणा में 56 है, ठीक है ना, उन पे बात करेंगे हम बाद में, पर फिलहाल ये पटौदी नाम आया था तो मुझे दिमाग में आ गया, तो मैंने क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं हम लोग अगली बात पे, अब हरियाणा की टोटल जो है ना विधानसभा के बारे में बात करते हैं, भी कौन कौन से नंबर की विधानसभा रही है, उनके अंदर कौन कौन से जो है ना व्यक्ति रहे हैं, तो उनके ऊपर बात करेंगे अब हम लोग, तो इसको यूं समझिएगा, यहां लिखते हैं हरियाणा, अगली कॉपी पे हेडिंग बनाना हरियाणा राज्य में अब तक कुल 14 विधानसभा मतलब 13th विधानसभा रह चुकी है, 13th विधानसभा रह चुकी है और वर्तमान में 14 चल रही है, और वर्तमान में प्रेजेंट में 14th नंबर विधानसभा चल रही है, ठीक है।
भाई सीधा सा सवाल बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। विधानसभा के अंदर हम बात करते हैं, 1 2 3 4 5 सारी विधानसभा की बात करनी है, ठीक है ना, A to Z। सो आइए उसके ऊपर भी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फर्स्ट विधानसभा, हरियाणा की जो पहली विधानसभा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली विधानसभा हरियाणा राज्य की जो है ना, वो 1 नवंबर 1966 से लेके 1 नवंबर 1966 से 28 फरवरी तक चली थी, 28 फरवरी 1967 तक, 28 फरवरी 1967 तक, ठीक है ना, इतनी ही चली थी आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बात भी होगी आपका यहाँ पे। और इसका अगला जो हमारा है ना वो क्या ठीक रहेगा, ये सब दिख रहा है बेटा मुझे, क्योंकि जो स्क्रीन तुम्हारे पास चल रही है वो स्क्रीन मेरे पास भी एज इट इज चल रही है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझो बच्चा। अच्छा, पहली विधानसभा जो है ना, पहली बैठक कब हुई थी, पहली विधानसभा की बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई थी, पहली विधानसभा की बैठक, फर्स्ट मीटिंग, पहली बार इनकी बैठक जो है ना वो जो है ना हुई थी, कब हुई थी आपकी, तो वो तारीख थी सर जी 6 दिसंबर की, 6 दिसंबर 1966। सुपर इंपॉर्टेंट तारीख है क्योंकि ये पूछा जाता है पेपरों के अंदर। वैसे तो मैं आपको सारी की सारी विधानसभा के डेट्स बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ रेगुलर रही है, कुछ में गैप रहा है, इलेक्शन का टाइम का गैप आ जाता है, वो आ जाता है आपका, ठीक है ना। पर वैसे 6 दिसंबर 1966 को जो है ना आपकी पहली विधानसभा, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि हरियाणा राज्य की जो सबसे पहली विधानसभा थी ना, इस सबसे पहली विधानसभा की अध्यक्ष कौन थी, पता है आप लोगों को सबसे पहली अध्यक्ष कौन बनी थी, सबसे पहली अध्यक्ष हरियाणा में बनी थी सन्नो देवी, नाम तुमने सुना होगा सन्नो देवी का, सन्नो देवी हरियाणा के जगाधरी से संबंधित थी। और एक गजब की बात यह थी कि ये भारत में किसी भी राज्य के अंदर सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भारत में किसी भी राज्य के अंदर सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी ये विधानसभा की, मतलब कोई भी राज्य में इनसे पहले कोई भी महिला अध्यक्ष के रूप में नहीं आया था। तो सन्नो देवी का नाम थोड़ा सा जरूरी है, हो सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है ना, तो वो बात बात आपकी ये है ही है समझने के लिए। सो पहली जो इसकी अध्यक्ष थी उनका नाम है आपके लिए विधानसभा अध्यक्ष, सटीक सटीक बात बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बताऊंगा, विधानसभा अध्यक्ष वो थी सन्नो देवी एंड सी इज फ्रॉम जगाधरी, जगाधरी, जगाधरी को आप लोग पित्तल के बर्तन के लिए जो है ना वो जाना करते हैं। आप वैसे कहां से हो पूछ सकता हूं मैं आप लोगों से, कोई है आप में से जगाधरी से, मतलब कहां कहां से हो, कौन से राज्य, कौन से देश, कौन सा गांव, कौन सा जिला, जिला ही बता दीजिए, गांव तो मुझे क्या ही पता लगेगा। खैर, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि विधानसभा कहते जगाधरी, मतलब मैं क्यों पूछ रहा हूं तुमसे, जगाधरी पित्तल के बर्तनों के लिए बहुत फेमस है, पित्तल नगरी के रूप में रेवाड़ी फेमस है, ठीक है ना, पित्तल नगरों नगरी जो है ना उसके रूप में तो रेवाड़ी फेमस है, लेकिन पित्तल के बर्तन बहुत फेमस है जगाधरी के अंदर। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था, उस आधार पर मैं आप लोगों को जो है ना बता रहा हूं। जगाधरी और यमुनानगर को आप जुड़वा शहर कहते हैं, और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्विन सिटी, TWIN ट्विन सिटी जो है ना उसके रूप में तो पुकारते हो अंबाला और अंबाला कैंट को, और जुड़वा शहर ये, हालांकि ट्विन और जुड़वा एक ही है हिंदी इंग्लिश में, लेकिन फिर भी वो जुड़वा हिंदी इंग्लिश में जुड़वा है, वो ट्विन हिंदी इंग्लिश में ट्विन है आपका, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। चाकी धादरी करनाल पानीपत बापोली करनाल पंजाब मानसा दिल्ली के भिवानी महेंद्रगढ़ जींद सिरसा कुलाना रोहतक करनाल नूह यमुनानगर जींद हंदना नारनौल फरीदाबाद कैथल सिरसा कालांवाली रिजर्व्ड सीट से हैं, पंजाब डिस्ट्रिक्ट मानसा एम फ्रॉम जगाधरी, हाँ जगाधरी से आ गया ना बच्चा एक दिव्या कुलेर आपके पड़ोसी, ठीक है, भंदरगढ़ सिरसा, हिसार हांसी, ओके चलिए।
तो क्या कह रहे थे हम, विधानसभा के अध्यक्ष सन्नो देवी जगाती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पहली विधानसभा के लिए जो है ना याद कर देना आइडिया। अब दूसरी विधानसभा पे आते हैं हम लोग, जो काम काम की बात है बस वो यही थी इसके अंदर। सेकंड जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, वो कब थी? वो 17 मार्च 1967 से स्टार्ट हुई थी आपकी। थोड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात आएगी, दूसरी विधानसभा, दूसरी विधानसभा ये 17 मार्च से स्टार्ट हुई थी 1967, और ये चली बहुत थोड़ी थी एक्चुअली, सबसे छोटी कहा जाता है इसको, यूं कह सकते हो आप, 21 नवंबर 1967, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति शासन लग गया था आपको अगर याद हो तो, ठीक है ना। ये पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा थी, इसका एक पॉइंट ये बनता है कि पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा, याद है ना, इसके अंदर जो सीएम बने थे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा के अलावा याद रखना है, पहला राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। ये टाइम गैप रहेगा, जैसे इसमें ये 28 फरवरी 1967 है, फिर मार्च आ गया आपका, तो बीच के जो है ना गैप है आपके, ये बीच के गैप चलेंगे इसमें, तो बहुत थोड़ा गैप आ गया, थोड़ा थोड़ा और भी गैप चलता रहेगा आपका, ठीक है। वो बताएंगे आपको क्यों गैप, इलेक्शन वगैरह की वजह से गैप आता रहा था ये, ठीक है। इसके बाद में जो है ना, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? इसकी पहली बैठक हुई थी 17 मार्च, जनरली इसकी अलग हुई थी, बाकी लगभग की सेम सेम ही चल रही थी, ठीक है ना। तो इसकी बैठक इसी दिन थी, ये पहली बैठक, वैसे लिख देता हूँ, जरूरत नहीं पड़नी है, पहली बैठक, इसकी पहली बैठक हुई थी 17 मार्च को, 17 मार्च 1967 को, ठीक है ना। पहली बैठक इसकी हुई थी 17 मार्च 1967 को हुआ था। इसमें अध्यक्ष जो थे ना, वो दो व्यक्ति थे, एक श्रीचंद और एक थे मनफूल, ठीक है ना। डेप्यूटी में आ जाता है ना दूसरा आपका यहां पे, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपका हुआ। इसके बाद में अगली बात पे आते हैं हम लोग यहां पे, नेक्स्ट आपका कौन सी इंपॉर्टेंट बात है कि इस विधानसभा में कुल सीटें कितनी थी, इस विधानसभा में सीटें कितनी थी। यहां पे देखो, याद करो लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी मैंने 54 बताई थी, अगले ही साल में कितनी हो गई थी, यहां पे अगले साल में हो गई थी आपकी सीटें 81 हो गई थी, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 81 सीटें थी, 81 विधानसभा सीट थी, 81 विधानसभा सीट थी, ठीक है ना। 81 विधानसभा सीट थी, इस बात को आप लोगों को यहां से याद कर देना है डियर, ठीक है। चलिए सर, तो ये सब बात आप लोगों को जो है ना वो याद कर लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा कॉपी पे आप लोग यहाँ पे, दूसरी विधानसभा से रिलेटेड क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। फिर हम तीसरी विधानसभा की बात करेंगे, तीसरी विधानसभा के अंदर क्या खास रहा होगा आपका यहाँ पे। वैसे मैं पूछूं, दूसरी विधानसभा में सीएम कौन बने थे, तो बता दोगे आप लोग? हाँ बता देंगे सर, दूसरी विधानसभा में राव वीरेंद्र सिंह सीएम बने थे। पहले में तो पता ही है आप लोगों को, सबसे पहले भगवत दयाल जी थे ही थे, दूसरी विधानसभा में आके फिर सीएम बने थे राव वीरेंद्र सिंह जी। फिर तीसरी विधानसभा की बात करते हैं, थर्ड नंबर की जो आपकी असेंबली बनी थी, इस थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या इंपॉर्टेंट रहा था थर्ड के अंदर? पहले तो इसका आपको कब से कब तक थी ये, तो ये 15 जुलाई 1968 से स्टार्ट हुई थी, 15 जुलाई 1968 यहां से तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी ये, और ये चली थी 21 जनवरी 1972 तक चली थी आपकी तीसरी, ठीक है ना। और इसके अंदर जो अध्यक्ष थे, इसकी पहली बैठक इसी तारीख को ही हुई थी, ठीक है ना। तो इसकी पहली बैठक हुई थी 15 जुलाई को ही, 15 जुलाई 1968। इसके अध्यक्ष थे रण सिंह, इसके अध्यक्ष थे रण सिंह, ठीक है ना। रण सिंह जी इसके अध्यक्ष थे तीसरी विधानसभा के, ठीक है ना। और फिर बंसीलाल जी इसके अंदर जो है ना वो मुख्यमंत्री बन गए थे तीसरी विधानसभा के अंदर, ठीक है ना। और इसमें जो है ना
हरियाणा की पहली जनगणना हुई थी, ठीक है ना, इसी विधानसभा के, नहीं इसी विधानसभा के दौरान एक तो बिजली भी पहुंची थी ना, दौरान एक तो जनगणना थी क्योंकि 71 में हो गई थी ना जनगणना, हुई पहली बार, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और एक गांव गांव तक बिजली पहुंची थी। भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य इसमें 100% बिजली पहुंच गई थी 1970 तक। सरकार किसकी चल रही थी सीएम में? बंसीलाल। ठीक है, तीसरी विधानसभा आपके यहां पे। चलिए सर जी, इनके बाद में हमारे पास में जो है ना एक दो तीन विधानसभा होगी, चौथी विधानसभा की बात करते हैं हम लोग यहां पे अब। सो इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो फोर्थ नंबर की विधानसभा यहां पे हेडिंग है हरियाणा राज्य की विधानसभाएं 1966 से अब तक। ठीक है, चौथी फोर्थ विधानसभा, चौथी विधानसभा हरियाणा की। तो हरियाणा के अंदर जो चौथी विधानसभा थी ना, वो 3 अप्रैल 1972 से स्टार्ट हुई थी, 3 अप्रैल 1972 यहां से तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी। और ये कहां से कब तक चली थी आपकी ये? तो चौथी विधानसभा आपकी चली थी आगे 30 अप्रैल 1977 तक, 30 अप्रैल 1977 तक, ठीक है ना, ये चौथी विधानसभा थी आपकी। इसके अंदर जो अध्यक्ष थे ना वो दो थे, मीटिंग तो इसकी पहली 3 तारीख को ही हुई थी, पहली बैठक 3 अप्रैल 1972। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बनारसी दास गुप्ता और एक थे स्वरूप सिंह, ये पर्सन जो थे ना इसके अध्यक्ष थे आपका, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वो कौन सा रहने वाला है हियर, एक सेकेंड, 1967 से 1972 थी ना, हाँ ठीक है चलो। तो इसके बाद में क्या, 3 अप्रैल 1972 से लेके 30 अप्रैल 1977 तक जो है ना आपकी यहाँ पे ये रहेगी ये चौथी विधानसभा। इसमें आपको ये याद रखना है कि सबसे लंबी विधानसभा थी ये, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको यहां से याद करना है, सबसे लंबी मतलब लगातार चली थी ये अब तक के लिए हरियाणा में, सबसे लंबी विधानसभा लगातार चली, ठीक है ना, लगातार चली थी, बीच में भंग नहीं हुई थी, कहने का मतलब ये है आपका यहां पे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। बंसीलाल जी और बनारसी दास जी यहां पे इस टाइम पे सीएम रहे थे दो लोग। उसके बाद में आती है पांचवी विधानसभा, पांचवी पांचवी विधानसभा हरियाणा के अंदर फिफ्थ नंबर की विधानसभा, 4 जुलाई से स्टार्ट हुई थी ये, ठीक है ना, 4 जुलाई 1977, 4 जुलाई 1977 से स्टार्ट हुई थी ये। और ये चली थी कब तक आपकी? ये चली थी 19 अप्रैल तक, 19 अप्रैल 1982 तक, 1982 तक चली थी ये आपकी, 1982 तक।
अच्छा सर, इसके अंदर जो है ना टोटल मेंबर कितने हो गए थे? 90 हो गए थे। पहली इसकी खास बात यह थी, इसकी पहली बैठक 4 जुलाई को ही हुई थी 1977 में। कुल सदस्य सीटें वो होगी थी 90 यहां पे। पर इसी में मैंने ऑलरेडी बता चुका था आपको यहां पे, ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इसके बाद में जो है ना और इंपॉर्टेंट क्या बात है आपका यहाँ पे, कुल सदस्य या कुल सीटें जो है ना आपकी कितनी हो गई यहाँ पे, 90 हो ही गई थी। और क्या खास बात थी यहाँ पे? और खास बात जो है ना, इसके अंदर रण सिंह और कर्नल सिंह नाम के दो व्यक्ति थे जो अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष तो खैर लिखना ही पड़ेगा, अध्यक्ष थे रण सिंह और कर्नल सिंह, ठीक ना। ये पर्सन जो है ना इस विधानसभा के दौरान अध्यक्ष थे आपके ये। इसके दौरान एक याद रखिएगा आप लोग, सुषमा स्वराज जी 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी। मैंने शायद ये बात कल सुषमा स्वराज के टाइम पे कही थी, फिर मैंने कहा बाद में बताऊंगा, और तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी विधानसभा के दौरान सुषमा स्वराज कैबिनेट मंत्री बनी सबसे युवा 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अंबाला से संबंधित है ये, आप लोगों को यहां से पता होगा आपका यहां पे, ठीक है। और 4 जुलाई 1977 से 19 अप्रैल 1982 तक था ये, ठीक है ना। 4 जुलाई 1977 से 19 अप्रैल 1982, ठीक है ना। ये अप्रैल है, एल आई, ये 9/1982 है आपका ये, ठीक है। उसके बाद में आपकी छठी आई थी, छठी विधानसभा। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है छठी के अंदर, ठीक है ना। छठी इंपॉर्टेंट नहीं है यहां ले, थोड़ी ही है। छठी विधानसभा जो है ना हरियाणा के अंदर, वो आपकी यहाँ पे कब स्टार्ट, कब खत्म हुई है? ये 19 अप्रैल को खत्म हुई है, ठीक है ना। अच्छा एक बात आपको मैं बता देता हूँ, जैसे 30 अप्रैल को खत्म हो गई थी, फिर ये चली है जुलाई, मतलब आप कहोगे सर इसमें मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, 2-3 महीने हो गया। ये इलेक्शंस के लिए चलते कई बार प्रचार पहले ही आचार संहिता लग जाती थी, पहले ही कई बार विधानसभा को जो है ना भंग कर दिया जाता है, इस करके इसके अंदर ये गैप आ जाता था। मतलब ये 2-3 महीनों का अक्सर जो है ना ऐसा गैप तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो इस वजह से ही दिखाई दे रहा है आपका ये, ठीक है ना। अब जैसे ये अप्रैल में खत्म हो गई है, तो अगली जो छठवीं है ना वो आगे जाके जून में स्टार्ट हो रही है, 24 जून को जाके स्टार्ट हो रही है आपकी वो, ठीक है। तो ये 19 और ये आपके आगे जाके स्टार्ट हो रही है 24 जून को, 24 जून 1982 है ना। और आगे चलेगी ये कब तक? ये चलेगी 23 जून 1987, ठीक है ना। ये फिक्स चली है, ये बढ़िया चली है, ठीक है ना, एकदम सही ईयर के रूप में चली है ये आपकी। अच्छा सर, इस विधानसभा के लिए अगर हम बात करते हैं, तो इस विधानसभा के अंदर अध्यक्ष कौन थे पहली बैठक, इसकी बस यही बात है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी जो पहली बैठक है वो तो सेम ही तारीख को हुई है, मतलब 24 तारीख को ही है, 24 जून 1982 को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो तारा सिंह थे, इसके अंदर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तारा सिंह, ठीक है। उसके बाद में अगली विधानसभा हमारी है 7वीं, 7th, 7वीं विधानसभा, 7वीं विधानसभा जो है ना वो खत्म कब हुई है आपकी? वो 23 जून को खत्म हुई है। तो अगली आपकी 9 जुलाई 1987 को स्टार्ट हो रही है, 9 जुलाई 1987 से स्टार्ट होके आपके 6 अप्रैल तक चलेगी ये, 6 अप्रैल 1991।
1991 तक चलेगी आपके यहां पे, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद में जो है ना ये, ठीक है चलिए सर जी, 1982 है ये, थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूं मैं। उन्नीस अप्रैल 1982, चलो सर। हाँ, सातवें विधानसभा तो हो गया आपका। अब सातवें विधानसभा जो है ना, इसमें चार व्यक्तियों ने ना 6 बार शपथ ली थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हरमिंदर सिंह तो अध्यक्ष थे, पहली तो बैठक बताते हैं, पहली बैठक वो तो हुई थी 9 जुलाई को ही, 9 जुलाई 1987। अध्यक्ष कौन थे? हाँ अध्यक्ष थे हरमेंद्र सिंह। नोट डाल के लिखने वाली बात है, इस विधानसभा में चार पर्सन ने 6 बार शपथ ली थी, ठीक है ना। इस विधानसभा में 4 लोगों ने 6 बार शपथ ली थी आपकी, ठीक है ना। अच्छा, 4 लोगों ने 6 बार शपथ तो ली थी, पर ये 6 लोग थे कौन थे, मतलब 4 व्यक्ति थे, 6 बार सीएम पद की शपथ ली थी। पहली तो लिया इसमें देवीलाल, ठीक है ना, मतलब इसमें एक तो देवीलाल जी ने शपथ ली, देवीलाल जी, एक इसमें ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है ना, ओम प्रकाश चौटाला इसमें 2-4 बार आ गए थे, ठीक है ना, बार बार। इसके बाद में आ गए थे बनारसी दास के बाद में आ गए थे ओम प्रकाश चौटाला, फिर से ओपी चौटाला, फिर आ गए थे हुकुम सिंह, ठीक है ना, और 6वीं बार जो है ना वो आपके फिर से आ गए थे ओपी चौटाला, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है कि इस विधानसभा के अंदर ये पॉइंट है, आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। तो विधानसभा में 4 पर्सन ने 6 बार शपथ ली थी, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास, ओम प्रकाश चौटाला, फिर से हुकुम सिंह और ओपी चौटाला। सातवीं विधानसभा हमारी पूरी हुई। उसके बाद आते हैं हम लोग आठवीं विधानसभा, जो कि आपकी 1991 से 96 तक चलने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी है एट्थ, यानी कि आठवीं विधानसभा, आठवीं विधानसभा ये कब खत्म हुई थी आपकी? 6वीं, 9 जुलाई 1987 को खत्म हुई थी ना आपकी ये, तो ये आपकी, सॉरी, 6 अप्रैल 1991 को खत्म हुई है ना आपकी ये, तो आगे 9 जुलाई 1991 को स्टार्ट होगी वो, तो ये 9 जुलाई 1991 से स्टार्ट हुई और 10 मई तक चलेगी आगे ये, 10 मई कब तक, 1996 तक, 1996 तक चलेगी आपकी ये, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो अध्यक्ष थे ना वो ईश्वर सिंह थे, पहली बैठक 9 जुलाई को ही, ठीक है ना, 9 जुलाई 1991 को अध्यक्ष थे ईश्वर सिंह, भजनलाल सीएम थे इसके एक्चुअली, ठीक है, और इस टाइम पे, और इसमें पानीपत जिले का पुनर्गठन हुआ था इसी विधानसभा में, पानीपत पुनर्गठन दोबारा, मतलब पानीपत जिला बना था, वो जिलों वाली कहानी में पढ़ना तुम लोग, 1 जनवरी
1992, ठीक है ना, 1 जनवरी 1992 को, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रख लेना है, ये 1 जनवरी 1992 को। और इसके बाद में हमारे पास में आती है, 8 तो हो गई है हमारी, 9वीं विधानसभा पे आते हैं हम लोग, ठीक है। भजन लाल लिख लेना बीच में, ऐसे सीएम तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं तो करके जरूरी नहीं है इतना, ठीक है। इसके बाद में अगली आती है हमारी 9वीं विधानसभा, जो कि आपकी 22 मई 96 से स्टार्ट हुई थी, 9th विधानसभा। जो है ये कब खत्म हुई है, ये आपकी 10 मई 1996 को खत्म हुई है, ठीक है ना। तो ये अगली आपकी 22 मई को स्टार्ट होगी, 22 मई 1996 को खत्म हुई है, मतलब स्टार्ट हुई है ये। और ये कब तक चलेगी, ये चलेगी 14 दिसंबर तक, 14 दिसंबर 1999 तक चलेगी ये, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या खास बात है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें शराबबंदी हुई थी आपकी पहली बैठक, बाईस मई को, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन थे, छत्तर सिंह, हरियाणा में पहली बार शराबबंदी, हरियाणा राज्य में बंसीलाल जी की सरकार चल रही थी ना इस टाइम पे, हरियाणा राज्य में पहली बार शराबबंदी, इसी विधानसभा के काल ही आपकी हुई थी ये। और ये कब से कब तक थी वैसे, ये जुलाई 1996, जुलाई 1996 से स्टार्ट होके आपकी, और 1 अप्रैल तक, 1 जुलाई से स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल 1998 तक, इस टाइम पे हरियाणा में शराबबंदी थी आपकी, ठीक है ना। ये शराबबंदी चल रही थी हरियाणा के अंदर, ठीक है सर जी। उसके बाद में हमारी 10वीं विधानसभा है, ठीक है ना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात नहीं है वैसे, ठीक है ना। साल ही याद करने हैं आप लोगों को, 9 मार्च 2000 से स्टार्ट हुई थी वो, 10th विधानसभा। नौ मार्च 2000 से स्टार्ट हुई थी आपकी, और ये पूरे 5 साल चली थी, 2005 तक चली थी आपकी कंप्लीट, ये 8 मार्च 2005 तक, ठीक है ना। और ये 5 तक चली थी, इसमें जो है ना ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार लॉन्ग टर्म के लिए बने थे, अध्यक्ष इसमें थे सतबीर कादयान, बैठक इसकी यही तारीख को हुई थी, ठीक है ना। अध्यक्ष थे सतबीर कादयान, सीएम थे ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी इसमें जो है ना वो सीएम बने थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये लिख लीजिएगा, अब तो थोड़ी सी रही है, पूरी 14 की 14 आज कंप्लीट करेंगे हम। 11वीं, हो गई है, चलिए सर। उसके बाद में 11वीं है आपकी, इलेवंथ विधानसभा, ठीक है ना। 11 नंबर की विधानसभा हमारी 21 मार्च से स्टार्ट हुई थी, 21 मार्च 2005, 21 मार्च 2005 से स्टार्ट होके आपकी ये चली थी, आगे 21 मार्च 2009 तक चली थी ये, 21 नहीं 20 मार्च तक चली थी, 20 मार्च 2009। इसमें सीएम आपको पता होगा भूपेंद्र जी हुड्डा आ गए थे यहाँ पे, भूपेंद्र हुड्डा, ठीक है ना। और अध्यक्ष बने थे इसमें हरमेंद्र और रघुवीर, ठीक है ना, अध्यक्ष बने थे इसमें हरमेंद्र सिंह और रघुवीर, सीएम इसमें आ गए थे भूपेंद्र हुड्डा, ना भूपेंद्र हुड्डा इसी में डेप्यूटी सीएम भी बने थे वैसे देखा जाए तो आपका, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है ना आगे की बात अगर हम लोग करते हैं, तो हमारी 11 तो हो गई है, 12वीं विधानसभा जो है वो 9 से 14 तक चली है,
12वीं विधानसभा, ये आपकी अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी एक्चुअली, ठीक है ना, 28-27 अक्टूबर के आसपास जो है स्टार्ट हुई थी ये, और आगे आपकी चली थी ये 27 का डेट है, कई जगह 28 का, मैं 28 लिख रहा हूँ ठीक है ना, 28 अक्टूबर 2009 से स्टार्ट होके और पूरी 5 साल चली थी, कोई इसमें गड़बड़ नहीं हुई थी ठीक है ना। आगे ये 20 अक्टूबर 2014 तक चली थी, 2014 तक लगातार ही चली थी ठीक है ना। और इसके अंदर जो है ना आपके फिर से अध्यक्ष बने थे हरमेंद्र, हालांकि साथ में कुलदीप शर्मा भी थे, अध्यक्ष थे हरमेंद्र और कुलदीप शर्मा, सीएम अगेन इसमें लगातार चल रहे थे भूपेंद्र हुड्डा। ठीक है, बारी आ गई हमारे खट्टर साहब की, 13th नंबर विधानसभा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है ना इसके अंदर आ चुके हैं। अब 13वीं विधानसभा जो है ना ये आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, 20 अक्टूबर ठीक है ना, 20 अक्टूबर 2014 से ठीक है ना। इसको कई जगह फिर एक आगे पीछे करेंगे तो 21 अक्टूबर भी हो सकता है अगर ये ना मिले तो आपको, और ये आगे चलिए 28 अक्टूबर तक, 2019 तक चली है आगे ये ठीक है ना। और इसके अंदर कंवर पाल जी अध्यक्ष थे, कंवर पाल गुज्जर, सबसे ज्यादा महिला इसी में चुनी गई थी, सबसे ज्यादा महिलाएं चुनकर आई थी 13 13 महिला, 13वीं विधानसभा और 13 ही आपकी। सीएम यहां पे आ गए थे मनोहर लाल जी, सीएम आ गए यहां पे मनोहर लाल जी आपका ठीक है ना। और इसके बाद में जो है ना हम लोगों के पास में आगे आती है जो फाइनल विधानसभा हमारी चल रही है, वो 14th नंबर विधानसभा चल रही है, 14th विधानसभा आगे आपकी 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो ही रही है 14th नंबर की विधानसभा, 28 अक्टूबर 2019 से अब तक अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और डेप्टी कौन है हमारे, रणबीर, रणबीर गंगवा, सीएम मनोहर लाल, डेप्यूटी सीएम भी है दुष्यंत चौटाला। ठीक है, चलो इसको यहीं पे ही रोकेंगे हम लोग यहाँ पे।